फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में इस वक्त 20 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी इंडिया वहां पे नहीं है। मगर क्या आप जानते हो कि एक बार इंडिया को मौका मिला था फीफा वर्ल्ड कप में जाने के लिए और उस टाइम इंडिया ने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। कुछ लोगों के बीच में ऐसी कहानियां फ्लोट होती है कि इंडिया ने इसलिए मना किया था फीफा वर्ल्ड कप में जाने के लिए 1950 में क्योंकि इंडिया बेयर फुटेड यानी कि नंगे पैर खेलना चाहती थी और फीफा ने उसे अलाउ नहीं किया था। बट मैं बताते चलूं कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन गलत है। रियलिटी क्या है मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कब इंडिया ने आखिरी बार बेयर फुटेड मैच खेला था और उसका रिजल्ट क्या आया था इंडिया के लिए। साल था 1950 जब फीफा वर्ल्ड कप अरेंज किया गया था ब्राजील में, जो कि साउथ अमेरिका में है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में तबाही मच चुकी थी, यूरोपियन कंट्रीज में पैसे नहीं थे खाने के लिए, उस टाइम पे वहां पे स्पोर्टिंग इवेंट करना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए बहुत सारे यूरोपियन नेशंस ने और साथ में बहुत सारे एशियन नेशंस ने भी पुल आउट कर दिया, बैकआउट कर दिया 1950 में ब्राजील में वर्ल्ड कप खेलने से। 50 फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ 13 नेशंस ही पहुंच पाई थी और इसीलिए उस टाइम इंडिया डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया था, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जाने से मना कर दिया, अपने प्लेयर्स को भेजने से वहां मना कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि इंडिया के पास पैसे नहीं है कि वहां पे पहुंच सके। जब बात यहां तक पहुंच गई तो फीफा ने और साथ में ब्राजील ने कहा कि हम स्पॉन्सर भी करेंगे इंडियन टीम को, आप बस इंडियन टीम को यहां पे सेंड कर दो। स्टिल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इंडियन टीम को वहां नहीं भेजा। इसके पीछे दो तीन कारण माने जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहला कारण जो इंडिया के कैप्टन थे 1950 में फुटबॉल टीम के सोइलेन मानना, उन्होंने कहा था कि इंडियन टीम उस वक्त बहुत ज्यादा फोकस थी ओलंपिक्स को लेकर, वो नहीं चाहती थी अपने फोकस को वहां से डिविएट करे क्योंकि उस टाइम फीफा वर्ल्ड कप बिल्कुल नया था। प्रदीप बासु जो कि एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, उनका ऐसा कहना है कि इंडिया ने इसलिए नहीं भेजा था अपने प्लेयर्स को फीफा वर्ल्ड कप में क्योंकि उनको लगता था कि उनके प्लेयर्स उस कैपेबिलिटी के लायक ही नहीं थे साल 1950 में। नतीजा ये हुआ कि आज तक फिर इंडिया कभी दोबारा क्वालिफाई ही नहीं कर पाया फीफा वर्ल्ड कप के लिए। आज जब इंडिया चाहता है कि वहां पे जाके परफॉर्म करे तो उसको बुलाया नहीं जाता क्योंकि उसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा पीछे है। फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ 32 टीम से पार्टिसिपेट करती है पूरी दुनिया से और इंडिया की रैंकिंग 100 के आसपास ही रहती है आजकल। इंडिया की फुटबॉल टीम अभी तक कम्पीट भी नहीं कर पाती एशिया में, इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि इंडिया कभी फीफा वर्ल्ड तक के फाइनल्स में पहुंच सके। रीजन था इंडिया के वर्ल्ड कप में ना जाने के, ना कि इंडिया बेयर फुटेड खेलना चाहती थी। हाँ, लेकिन इंडिया ने बेयर फुटेड ओलंपिक्स मैच खेला था साल 1948 में फ्रांस के अगेंस्ट में, वहां पे इंडिया ने बहुत अच्छा कंपटीशन भी दिया था, लेकिन साल 1952 के ओलंपिक्स में इंडिया को थ्रैश कर दिया था यूगोस्लाविया ने और उसके बाद इंडिया ने मैंडेटरी किया कि आपको बूट्स पहनने ही पड़ेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंडियन टीम फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में भी खेलेगी, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने बेसिस को, रूट्स को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में फुटबॉल के लिए क्रेज तो बहुत है क्योंकि यहाँ पे घर घर में रोनाल्डो और मेसी के फैंस मिल जाते हैं जो कि यूरोपियन लीग्स देखते हैं, लेकिन इंडियन फुटबॉल टीम के फैंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। होपफुली मेरा ये इन्फॉर्मेशन बताने का तरीका आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो क्योंकि एवरी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे चैनल वीडियोस कंटिन्यूअसली पोस्ट हो रहे हैं ऑन डिफरेंट गूगल टॉपिक्स एट एनी कॉस्ट। यू कैन चेक माई चैनल आर्ट ऑल्सो। सी यू वेरी सून, तब तक के लिए बाय बाय।